शास्त्री पार्क है, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर ये खोला गया है। शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद, हाँ शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है, और ये कह सकते हैं यहाँ पे आप आराम से आके वैक्सीनेट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे सुभाष खराला जी और ये अनीश जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भी हो, फेसबुक, व्हाट्सएप आपके माध्यम से या क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से, तो जागरूक करें। जो भी सोशल वर्कर है उनसे मेरा निवेदन है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और लोगों में भय है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा उन्नाव के एक क्षेत्र बाराबंकी में कि 1800 लोग एक सरजू नदी में कूद पड़ते हैं कि उनके वैक्सीन ना लग जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में जागरूकता लानी होगी जिससे कि वैक्सीन लगवाएं। सरकार खर्चा कर रही है, इस महामारी को मिटाना है तो वैक्सीन जरूर लग। तो आप यहाँ के नोडल ऑफिसर है गांधीनगर शास्त्री पार्क के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, तो आप यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, ये हमारा सर्वोदय बाल विद्यालय बुलंद मस्जिद, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर 45+ के लिए है। यहाँ पे हमारे पास सर हमने पूरी फैसिलिटीज अरेंज कर रखे हैं, सैनिटाइजर, हमारे पास सिविल डिफेंस भी काफ़ी है, व्हील चेयर वगैरह हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। जो भी आता है यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है, और 150 वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है, 50 ऑनलाइन एंड 100 ऑफलाइन। ये हमारे साथ अनीश जी हैं, ये गांधीनगर की विधानसभा, ये दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा वहाँ शास्त्री पार्क से हैं, तो इनसे आज हम पूछेंगे। अनीश जी आप बताइए कि गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की जाए, जैसे ये भुखमरी छाई हुई है दिल्ली में, जैसे लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए करना चाहिए? बिल्कुल, दिल्ली में सबसे पहले जैसे कि सरकार ने किया था, एक खाने की व्यवस्था करी थी स्कूलों में, उनमें पुनः व्यवस्था शुरू की जाए जिससे कि उन्हें दो वक्त का भोजन मिल सके। ये नहीं करा है, हो सकता है सिस्टम की लापरवाही रही हो। दूसरा, सरकारी सिस्टम, बसें चल रही हैं और बाकी सब चीज़ें चल रही हैं, तो गरीबों के लिए जब बड़ी बड़ी मंडी खुली हुई हैं और वहाँ पर उनका, सरकार को तो उनका टैक्स मिल रहा है, तो गरीब जो है ना जब लाता है और बेच नहीं पाता, तो इसके लिए बिल्कुल उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करी जाए कि एक पास बनाया जाए कि ये खुलेगा और उसे बेचने दिया जाए। वो ज़रूरी है कि दो गज की दूरी, मास्क ज़रूरी है, मास्क लगा होना चाहिए, लेकिन जब वो ले आता है तो और कहीं बेचने जाता है तो उसे दिक्कत आ रही है। कई जगह हमने देखा कि सब्जी वालों को, फल वालों को, उन्हें दिक्कत आ रही है, रिक्शा वालों को दिक्कत आ रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बार गरीबों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसको अनलॉक किया जाए, क्योंकि मजदूर अभी भी दिहाड़ी के मजदूर अपने चौराहों पर बैठे हुए हैं ताकि उनकी मजदूरी लग जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम सरकार अपनी भोजन की व्यवस्था करे और अनलॉक की व्यवस्था करे, मेरा आपसे यही निवेदन है आपके माध्यम से। चलिए बताइए कि 2-8 महीने बाद जो दिल्ली में एनसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जो भीड़ लगेगी उस पर क्या कहना, मतलब लोग जाएंगे प्रचार के लिए, पार्टियां जाएंगी। यहाँ गरीब को तो कह दिया जाता है कि भाई कोरोना फैल रहा है, आप सब्जी की दुकान मत लगाओ, 4 बंदे खड़े होंगे, जो प्रचार में जो फिर होगा उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो इलेक्शन रद्द किए जाए? बिल्कुल, जब तक देखा जाएगा कि अगर, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है, सरकार ने अभी कलकत्ता में चुनाव करवाए, जहाँ जहाँ चुनाव बिहार में करवाए थे उससे पहले, और 3-4 राज्यों में करवाए हैं, तो जब कोरोना नहीं होता, क्योंकि ये खुद सरकार जो है ना, केंद्र सरकार खुद और जो चुनाव आयोग है, ये पिट्ठू है केंद्र सरकार का, वो काम करता है जो सरकार चाहती है, उस पर इनका बैठा हुआ अपना आदमी है। और हेल्थ डिपार्ट बिल्कुल वो उस वक्त आंखें मूंद लेते हैं, इन्हें चाहिए कि कम से कम कोरोना में जो भी लापरवाही से मरे हैं लोग, इन्हें मुआवजा दिया जाए, और जैसे सरकारी को दिया जाता, क्योंकि ये सब कुछ इनकी मर्जी से हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक जो बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं रहे हैं, तो उनको शिक्षा तो चलो दिल्ली सरकार ये मुफ्त देगी, तो क्या उनके लिए 2500 रुपये काफ़ी हैं? मतलब मेरा ये कहना है 2500 रुपये में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे, राशन में दाल चावल तेल वगैरह जितना भी आप घर चलाते हैं, 2500 रुपये उनके लिए काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है। अगर 2500 रुपये, 5000 रुपये हम देते हैं एक सांसद को, और वो अपना जो भी अकेला है, शादी ब्याह नहीं हुआ जिनका, वो करके दिखाएं, 5000 वो
उनके 20-25, 25-30 हज़ार रुपए लाखों का खर्चा आता है, एक गरीब का मजाक उड़ा के रखा हुआ है 2,500। एक तो वो अनाथ हो गया और दूसरे उसे 2,500 रुपए देकर, ये बहुत गलत है। इतने पैसे में गुजारा नहीं हो सकता, कहाँ से वो खाएगा, कहाँ से पिएगा, कई खर्चे होते हैं ज़िंदगी में, उसके सोच के और देना चाहिए सरकार को, उसे उचित मुआवजा देना चाहिए जिसके परिवार मर चुके। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जिस मतलब घर का इसका हस्बैंड मर गया हो कोरोना से, तो उसको 2,500 रुपये, या कोई भी एक पर्सन मर गया हो तो 2,500 रुपये जो मुआवजा मिलेगा, तो वो विधवा पेंशन उसकी हटा दी जाएगी कि उसमें डबल उसको मतलब मुआवजा मिलेगा? जैसे विधवा पेंशन मिलती थी 2,500 रुपये महीना, तो ये जो रूल था कि एक ही पेंशन मिलेगी, तो अब केजरीवाल जी दोनों पेंशन देंगे, विधवा की भी और कोरोना से जैसे बढ़ाई है, या एक ही देंगे? पहले तो बहुत मुश्किल है, ये हो सकता है, अभी पेंशन की बात करी है दिल्ली सरकार, यहाँ तो मिल जाएगी लेकिन और क्षेत्रों में उनकी पेंशन बनना मुश्किल हो जाती है, उन्हें अलग से 2,500 रुपये तो बड़ा मुश्किल है, मुआवजा तो बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में तो खैर सेंटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेंटर हैं, इसलिए जल्दी मिल जाता है, और केजरीवाल जैसे वो हैं नेता तो जल्दी मिल जाता है। अब ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि एक पेंशन देंगे या दो देंगे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीएचडी न्यूज़ के लिए। Subscribe to my channel and also press this bell icon.